नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने मैरीगोल्ड के पौधे पर कि कैसे आप अपने पौधे को इतना ज़्यादा घना, इतना ज़्यादा बूसी कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि आप हमारा पौधा, देखिए ये एक सिंगल पौधा है, ये देखिए ये एक सिंगल पौधा है और देखिए कितना बड़ा हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसका आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसको कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, क्या फर्टिलाइज़र देना है और इसकी केयर कैसे करना है ताकि आपको ये सबसे अच्छे तरीके से आपको फ्लावरिंग दे सके। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको हम ऐसे ही अपडेट्स देते रहें टाइम टू टाइम। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए कि मैंने एक जो हमारे यहाँ पूजा में गेंदे आते हैं उसी गेंदा को ही मैंने निकाल, उसी गेंदा के ही मैंने सीड्स डाले थे। बहुत सारे सीड्स निकले थे जिसमें देखिए एक ये था और देखिए बैक साइड में तीन एक साथ लगे हुए हैं, एक ये था। देखिए कैसी हालत हो गई है, देखिए ये देखिए दोस्तों इसकी कैसी हालत हो गई है। इसके साथ में देखिए एक ये नई मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी, तो कटिंग भी देखिए कितनी सारी, देखिए रूट्स इसमें भी देखिए बाहर से निकल रही हैं, आप इनको इजीली लगा सकते हो। और देखिए यहाँ पर भी ये बात के देखिए मेरे लगे हुए गेंदे हैं। तो दोस्तों आपको जो है इस स्टेज से इस स्टेज तक लाने के लिए क्या करना है, तो वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैरीगोल्ड के लगाने के लिए मिनिमम आपको हमेशा 8 इंच का पॉट लेना है, मिनिमम 8 इंच का, मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो वो लीजिए। जो भी आप सॉइल बनाइए उस सॉइल में आप 30% जो है सैंड लीजिए, 30 और उसमें तकरीबन 20% सॉइल लीजिए, 50% में आप जो है 20% आप, मैं अपना रेशियो बता रहा हूँ, देखिए ना 20% मैंने इसमें लिया है अपना काउडंग कंपोस्ट और 30% मैंने लिया इसमें लीप कंपोस्ट। अब आप बोलेंगे कि इतना ज़्यादा कंपोस्ट हो गया, दोस्तों लीफ कंपोस्ट में मैक्सिममली ब्लैक, वो ब्लैक ही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है, ठीक है ना। और जो काउडंग कंपोस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जो हमने सॉयल यूज़ किया वो हमने थोड़ी सी सॉयल किया, सॉयल यूज करने का मेरा मतलब ये, सॉयल इसमें इतना कम यूज करने का मतलब मेरा मतलब ये था कि इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। मैरीगोल्ड को कभी भी पानी खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। इस वजह से मैंने, और देखिए मैंने इसमें अभी वाटरिंग की, आप देख रहे हो कि मेरे यहाँ सब जगह वाटर पड़ा हुआ है, 2 दिन से पानी नहीं हुआ, इस वजह से मुझे वाटरिंग करना पड़ा। इसमें बहुत ज़्यादा रेन लिली के सीड्स डाल दिए थे, फर्स्ट टाइम भी मैंने सीड्स डाले, मुझे कुछ सीड्स मिले थे तो मैंने मंगवाए थे, परचेज किए थे, तो उसके सीड्स डाल दिए, तो देखिए उन सब के देखिए सीड्स निकल आए हैं। और इतना ज़्यादा इसमें कंपोस्ट था कि देखिए इसकी देखिए हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी हेल्थ हो गई है। तो दोस्तों मैरीगोल्ड आपको लगाना बता दिया, सीड्स लगाना बता दिया। अगला आता है दोस्तों कि हम इसको इतना ज़्यादा बूसी कैसे करें। तो दोस्तों इसको आपको अपने हिसाब से बूसी करना है। कुछ लोग होते हैं जो इसको नीचे से ही जो है इसका पिंच करने लगते हैं और नीचे ही वो एक गोल शेप में बन जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ऊपर जा कर के उसको पिंच करते हैं, ऊपर से जा कर के फिर पूरा एक टॉपियरी बन जाता है और नीचे साइड आपका बिल्कुल पूरा साफ रहता है। मैंने सेकेंड प्रोसीजर चुना है कि मैं ऊपर पिंच करूंगा, नीचे से बिल्कुल साफ रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि नीचे मैंने रेन लिली भी लगा दिया है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहरहाल मैं नीचे से बिल्कुल साफ रखना चाहता हूं ताकि इसमें फंगस की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे ही विंटर ख़त्म होती है वैसे सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम इसमें आने वाली है, वो है आपकी फंगस की। और फंगस की प्रॉब्लम से दोस्तों तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि आपने इसकी पिंचिंग करी, मैंने एक बार पिंचिंग किया, देखिए इसकी मैंने यहाँ से पिंचिंग की, ये देखिए मैंने यहाँ से देखिए पिंचिंग की, तो यहाँ से देखिए इसमें 4-5 कल्ले निकले, ठीक है ना। और उनमें मैंने फिर से देखिए, ये देखिए मैंने फिर से सेकंड पिंचिंग की, ये देखिए सेकंड पिंचिंग की, और ये देखिए सेकंड पिंचिंग, ये देखिए, और ये देखिए इसमें भी देखिए यहाँ से पिंचिंग है। तो सब में देखिए सब में तकरीबन 4-4 नए नए इसमें सूट्स निकल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो पहली बार अगर मैंने सूट्स किया तो मेरे पास निकले 4, ठीक है, मैंने उन 4 को फिर से पिंच किया तो 4 से फिर 4-4 निकले, तो 4 × 16, ठीक है ना दोस्तों, मेरे पास 16 ब्रांचेज हो गए। नंबर ऑफ ब्रांचेज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लावर्स, ये गेम चलता है हमेशा, ठीक है ना। मेरी सेकेंड पिंचिंग कंप्लीट हो गई तो मेरे पास 16 ब्रांचेज हो गए। अब देखिए
अब आपके पास यहाँ पर देखिए काफ़ी आपकी सूट्स आपको दिख रहा है, हेल्दी है, बड़ी भी हो गई है, तो ये परफेक्ट टाइम है आपके पिंचिंग का। लेकिन पिंचिंग ही आपकी मायने नहीं रखती है, पिंचिंग से पहले आपको कुछ फर्टिलाइज़र देना है। वो फर्टिलाइज़र क्या होना चाहिए वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसकी ग्रोथ के लिए दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाई मात्रा में नाइट्रोजन, हाई मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और थोड़ा सी मात्रा में आपको फास्फोरस। पोटास का यूज कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए केवल मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं यूज किया। वर्मी कंपोस्ट में पोटास की मात्रा तकरीबन 7-8% होती है, जबकि काउडंग कंपोस्ट में केवल 2% होती है, और जो है लीव कंपोस्ट में तो 0 होती है, उसमें केवल नाइट्रोजन होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बस, ठीक है ना, इस वजह से। और देखिए कितनी खूबसूरत, देखिए तितली रानी आई है, देखिए मड़रा रही है, ये देखिए घूम रही है, ये देखिए कितनी खूबसूरत तितली रानी है, देखिए ये देखिए ये देखिए ये घूम रही है। और ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारी तितलियाँ आती हैं। तो दोस्तों हम फीडिंग की बात कर रहे थे, तो अगर फीडिंग की बात करें तो इसमें दोस्तों मैंने डाला है सबसे पहले जिप्सम। अब ये देखिए ये बगल में आपको दिख रहा होगा जिप्सम, ठीक है ना, आपको देखिए मैं इसमें भी दिखाता हूँ, आप लोग बोलोगे कि मेरे को इसमें नहीं दिखाया, ये देखो ये पड़ा हुआ जिप्सम, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये जिप्सम दिख रहा है ना, ये पड़ा है आपको वाइट वाइट कलर में दिख रहा होगा दाने दाने से, ये जिप्सम है। मैंने इसमें दोस्तों जिप्सम दिया, और जिप्सम मैंने इसमें अभी परसों दिया था मैंने, और उससे जिप्सम से 2 दिन पहले मैंने इसमें जो है DAP डाला था। DAP दोस्तों पूरी घुल गई है, DAP मैंने इस साइड में डाला था, ये देखिए, और ये देखिए कुछ दाने आपको देखिए इसमें दिखेंगे भी, ये देखिए मैं आपको ये मत बोलिए कि सेम साइड में, देख लीजिए एक साइड में वो दिया था, एक साइड में ये दिया था, ये देखिए एक साइड में DAP दिया था, देखिए आपको कुछ बहुत छोटी छोटी नज़र भी आ रही है ना। तो फीडिंग सबसे पहले दीजिए, फीडिंग के बाद में इसकी पिंचिंग कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए पिंचिंग आपको क्या करना है, इसमें यहाँ से गिनना है, ठीक है ना, आपने यहाँ से गिनना है, यहाँ से ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल सीधा ऊपर आया, एक नोड दो नोड, दो नोड आपको रखना है और उसके ऊपर का आपको तोड़ देना, ये देखिए ऐसे, इसको देसी भाषा में खुटकना भी बोलते हैं, इसको पिंचिंग इंग्लिश में पिंचिंग बोलते हैं। आपको जो सहूलियत लगे आप उसको करिए, लेकिन ब्रांच सिलेक्शन आपको किस में पिंचिंग करना है किस में पिंचिंग नहीं करना है इस बात का सिलेक्शन करना होगा। देखिए जैसे ये एक बिल्कुल कमज़ोर सी ब्रांच है, ठीक है ना, और इसमें देखिए अगर हम देखते हैं तो 1-2, ठीक है ना, लेकिन ये हमारी पिंचिंग के लिए रेडी है। बट देखिए जैसे ऐसी ब्रांचेज हैं ना, ये छोटी छोटी सी ब्रांचेज हैं, इनमें कभी भी पिंचिंग मत कीजिए। तो देखिए दोस्तों धूप आ गई, तो चलिए हम फटाफट आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ से, आप इसको नाखून से तोड़ सकते हो, किसी प्रूनर की वजह से मदद से कर सकते हो, कोई अगर आपके पास जो है शार्प टूल है तो शार्प टूल की वजह से, ब्लेड है, कोई किसी से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहरहाल जहरीला पौधा है, इस वजह से आप इसको बच्चों की यहाँ से थोड़ा दूर रखिए। हाँ, लास्ट टाइम जब मैंने इसकी वीडियो डाली थी बहुत से लोगों ने बोला था कि बचपन में हम इसको खा जाते थे, और तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग खा लेते थे, जहरीला होता है, लेकिन खाने को आप लोग हल्दी भी खा लेते हो, और लोग खाते भी हैं हल्दी, ऐसी बात नहीं है, लोग हल्दी खाते हैं, लेकिन खुद नुकसान अगर मान लीजिए वो नुकसान कर दिया, वैसे नुकसान तो हर चीज़ कर सकती है, लेकिन नुकसान करती है, डॉक्टर्स मना करते हैं खाने के लिए, हमेशा मना करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें होती हैं ना इस वजह से, और क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इस वजह से मुझे बोलना पड़ा आज, वरना मैंने अभी तक नहीं बोला है। काफ़ी टाइम पहले वो वीडियो आया था, और उस वीडियो को आप लोग देख भी सकते हो। तो दोस्तों देखिए मैंने ये देखिए इसके इतने सारे देखिए इसके टिप्स निकाल दिए, तकरीबन 13-14 टिप्स निकाल दिए, कुछ छोटे हैं तो उनको मैंने हटा दिया। तो दोस्तों अब आपका जो पौधा होगा, आप समझ लीजिए आपके मैंने 12 ब्रांचेज प्रून की, तो 12 में से भी
तीन तीन चार चार तो निकलेंगे ही निकलेंगे, समझ लीजिए इसकी आप कितनी कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब मैं आपको अपना पौधा दिखाऊं तो ये देखिए अब आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें न्यू शूट्स आ जाएंगे ना तो दोस्तों उसके बाद ये आपका बहुत अच्छा लगेगा। सेम चीज़ देखिए दोस्तों हमारे पास ये देखिए दो प्लांट हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हम नीचे से देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ना, इतना रखेंगे, इतने यहाँ से देखिए हम यहाँ से इसको पिंच कर देंगे। सेम में भी हम रखेंगे एक दो तीन, ठीक है ना, तीन चार पाँच, हम इसके चार से प्रून कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए चलिए दोस्तों हम इसको प्रून करते हैं, आपको दिखाते हैं। इसको सिंपल सा एक कट मारना है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसकी देखिए दोनों कटिंग की कर दी, और मैंने जो टूल यूज किया है वो मैंने अपना ब्लेड यूज किया है, और क्योंकि प्रूनर अभी मेरे पास नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए बगल में इसके एक ये मेरे भी पता नहीं क्या खिला हुआ है, पता नहीं, देखेंगे अभी, मुझे याद नहीं है, मैं लिख के रख लेता हूँ कि मैंने किस किस के सीड्स डाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसकी हमारी पिंचिंग हो गई, इसकी हमारी फर्स्ट पिंचिंग हो गई। अब इसमें देखिए इसके जो साइड साइड से ना इसमें न्यू रूट्स आएंगे, और जो हमारी ये कटिंग है हम इनकी कटिंग भी ग्रो कर देंगे साथ ही साथ। देखिए तो हमें क्या करना है, सिंपल कटिंग, देखिए हमें सिंपल ये कटिंग लेना है, और लोग इसकी अलग से वीडियो बनाते हैं, मैं इसमें ही बता रहा हूँ। और नीचे की आप इसमें जो है दो लीव्स हटा दीजिए, ठीक है ना, ऐसे बस केवल नीचे की दो लीव्स हटा दीजिए, देखिए आपने नीचे की दो लीव्स हटा दी, और इसको ले जा करके इसको आप इसी पॉट में दबा दीजिए, और जब इसमें रूट्स आ जाएंगी तब आप इसको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, सिंपल सी बात है ना। ये देखिए दोस्तों हमने इसको इसमें रखा, बहुत ईजी इस टाइम पे दोस्तों जब जाती हुई बारिश में तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है ये। और इसके सीड्स भी आप अभी लगा सकते हो, कलकत्ती वेराइटी जो लगाई जाती है वो भी दोस्तों इसी टाइम पर ही लगना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास उस वेराइटी के अगर हैं अगर सीड्स तो आप उसको भी लगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों अगर हम ये देखिए हमारे पास एक और पौधा है, तो हम इसकी भी पिंचिंग कर रहे हैं, ये देखिए इसकी भी पिंचिंग कर रहे हैं। एक देखिए मैंने एक छोटे से ग्लास में लगाया हुआ है, ये देखिए, तो इसकी भी हम पिंचिंग किए दे रहे हैं, इसकी पिंचिंग थोड़ा नीचे से करी जाए, यहाँ से करी जाए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए हम इसकी ऐसे हमने इसकी पिंचिंग कर दी, ठीक है ना, और ये ऐसे रखा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास और भी कटिंग्स आ गई हैं, लेकिन हमें इतनी सारी कटिंग्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे, हम इसको एज इट इज क्या करेंगे, उठाया हमने और इसके बीच में ऐसे हमने रख दिया, सिंपल सी बात, ठीक है ना दोस्तों, बस इतना करना है आपको। तो होप दोस्तों आपको हमारा आज का ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते देख लीजिए कि पिंचिंग के बाद का रिजल्ट्स क्या होता है। ये देखिए ये एक मेरा दूसरा पौधा है जिसमें मैंने कुछ ही दिन पहले देखिए पिंचिंग किया है, और ये देखिए मैंने यहाँ से देखिए मैंने पिंचिंग किया, देखिए एक दो तीन चार, और नीचे साइड से अभी देखिए निकलना स्टार्ट हो रहा है, चार चार तो निकलता ही निकलता है। देखिए मैंने यहाँ से देखिए इसमें ये देखिए यहाँ से पिंचिंग किया तो एक दो तीन चार, ये देखिए चार चार निकला है ना, ठीक है ना दोस्तों, सब में ऐसे निकल रहा है। और दोस्तों ये कमाल केवल से केवल फीडिंग का है और किसी चीज़ का नहीं है, आप जैसी फीडिंग दोगे आपका पौधा वैसा ही ग्रो करेगा, ठीक है ना। देखिए एक हमने यहाँ से ऐसे निकाल दिया, जो लेट हो जाता है तो दोस्तों उसमें भी पिंचिंग करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फीडिंग देते रहिए, बस मेन खेल फीडिंग का है। और अगर आप इसकी नीचे की अगर बड़ी वाली लीव्स दोस्तों अगर हटा दोगे ना, नीचे की अगर बड़ी वाली लीव्स अगर आप हटा दोगे तो आपका पौधा ऊपर की साइड में फटाक से बिल्कुल जल्दी से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। ये देखिए हमने इसकी बड़ी बड़ी लीव्स हटा दी और ऊपर साइड से अब ये बिल्कुल ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए हमारे पास एक अच्छी सी कटिंग आ गई है, तो हम अच्छी कटिंग को कभी नहीं फेंकते हैं, तो हमने उठाया और इसको टिप नोट से काटा और
सिंपल दबा दिया, बस इतना करना है आपको। तो होप दोस्तों आज का आपको हमारा इन्फॉर्मेशन का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।